हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर प्रवीण फ्रॉम प्रोविंग CS। आज के वीडियो में हम अगस्त 20 CSET का इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, यू पीपल हैव सीन सो मेनी पेपर्स यू हैव डिस्कस्ड, बराबर। नाउ दिस इज़ द मोस्ट वन ऑफ द टफेस्ट पेपर फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से रिव्यूज़ लिया एंड आई केम टू नो फ्रॉम देम कि कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द अदर पेपर्स दे फाउंड इकोनॉमिक्स पेपर वेरी डिफिकल्ट, बराबर। नाउ तो एक्चुअली पेपर बहुत ईजी था, बट आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट। लेट डिस्कस इट। मैं सिंप्लीफाई करके हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आंसर बताता जाऊँगा। एंड बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज़, आप डिस्क्रिप्शन में से ये पूरा का पूरा पेपर, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन अ गिवन लिंक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। नाउ दिस पेपर नाउ विल गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग अटेम्प्ट इन नवम्बर 20, बराबर। अगस्त 20 का तो रिजल्ट आ चुका है। अब वो सोच रहे होंगे यार हो गया, बस जैसे तैसे पास हो गया ना, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग। बट If you are in August 20, please share this video with your friends who are giving exam in a November 20. Barabar? Now, and I also tell you, we are the first classes who is discussing exam papers with you all. We have got this collection from students. This question has been asked to them. So the credit of this video goes to those students. Kyunki agar unhone humko ye questions nahi diye hote, barabar, now to hum ye video nahi bana pate. Let's start with. To economics पेपर 3 फॉर यू ऑल। नाउ अच्छा, सबसे बड़ी बात आपके लिए, ये पेपर को इजी बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, आई हैव डिवाइडेड दैट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गॉट विद दैट MCQs व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स व्हिच हैज बीन आज इन अगस्त 20 एग्जाम्स, मैंने उसे चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोग पढ़ें तो प्रॉपरली पढ़ें। और मैंने इस इकोनॉमिक्स के पेपर को चैप्टर में कन्वर्ट किया है तो मैं चैप्टर वाइज चलूंगा, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आज इन अगस्त 20 एग्जाम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद। तो फर्स्ट चैप्टर था आपका थियोरी ऑफ डिमांड सप्लाई एंड मार्केट स्ट्रक्चर, बराबर। थोड़ा ब्रीफिंग था, ज़्यादा डिटेल नहीं था मार्केट्स का, मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओलिगोपोली एंड ऑल। नाउ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया था, लेट स्टार्ट विद। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन था, इन केस ऑफ मोनोपोली द मोनोपोलिस्टिक, अब देखो मोनोपोली बोल रहे हैं, द मोनोपोलिस फर्म प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट टू डिफरेंट, बराबर, कंज्यूमर्स एट टू डिफरेंट प्राइजेस। फ्रेंड्स, नाउ जब कोई मोनोपोलिस्ट एक ही प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करता है तो आप उस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नाउ आप कहेंगे उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ठीक है, बी ऑप्शन प्राइस मैनिपुलेशन, प्रेस्टीज प्राइजिंग, प्राइस रैंकिंग, दैट इज ऑल आर रॉन्ग ऑप्शंस। नाउ आप उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग भी समझा होगा, बराबर। व्हेन टू और मोर प्राइजेस इज चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। नाउ तो फर्स्ट आंसर बहुत इजी था, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नाउ तो आपको इसका आंसर समझ गया होगा, ए आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेट स्टार्ट विथ। In India, great number of tourists visit a hill station during summer. During winter, very few tourists visit the place. During winter, the demand for local restaurants declines. Assuming fixed number of restaurants leads to. अब देखो ये क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन डिमांड और सप्लाई का है फ्रेंड्स, बराबर। बहुत ही अच्छा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछना, जिसमें आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया में एक हिल स्टेशन है जहाँ पर समर पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं गर्मी की छुट्टियों में, बराबर, बट ठंडी में ड्यूरिंग विंटर, बराबर। नाउ वेरी फ्यू टूरिस्ट विजिट दैट प्लेस, ठंडी में शायद बहुत ठंडी होती होगी, आप जम्मू और कश्मीर पकड़ लें, आप लेह लद्दाख पकड़ लें, ठीक है, वहाँ पे सर्दियों में कौन जाएगा, गर्मी में जाएंगे, सर्दियों में तो इतनी बर्फ़ पड़ती है कि पूछो मत, ऑफ सीज़न होता है वहाँ, तो विंटर वहाँ पे ऑफ सीज़न है, लेकिन विंटर में जब टूरिस्ट कम आते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के डिमांड कम हो जाती है, जब कस्टमर नहीं जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट सेम रहते हैं,
नंबर ऑफ रेस्टोरेंट सेम रहने का मतलब है सप्लाई सेम है, बट बराबर विंटर में डिमांड गिर जाती है। तो मुझे बताओ कि वहाँ पर विंटर में प्राइजेज और क्वांटिटी की क्या होगी हालत। तो ए ऑप्शन कहता है इंक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो ऑप्शन से समझ में आता है दे आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। सेकंड कह रहा है डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सी कहता है इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और डी कहता है डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आंसर क्या होगा अब क्या पता। तो अब आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम से सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स। अब डायग्राम कहाँ से लाएंगे, तो चलो डायग्राम बनाते हैं और क्या करेंगे। लेट्स टेक वन ब्लैंक पेज, लेट्स टेक वन ब्लैंक पेज फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है। चल लेट्स टेक वन ब्लैंक पेज। अब इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़रा देखो। ओके नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम प्राइस। तो दिस इज एक्स एंड वाई। ओके नाउ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, रेड कलर इज डिमांड। ओके चलो दिस इज सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखो सो दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब वो क्या कह रहा है, विंटर के सीजन में नंबर ऑफ रेस्टोरेंट सेम होते हैं, मतलब व्हाइट लाइन जो सप्लाई की है कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डिमांड फॉल हो जाती है, बराबर है। तो मेरा जो रेड लाइन है, अब आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर पढ़ा होगा, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये जो रेड लाइन है, जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज होता है तो यू नो द डिमांड का शिफ्ट, और यहाँ पर सीजन इज एन अदर फैक्टर, तो डिमांड फॉल होती है। और आप लोगों ने ये थियोरी पढ़ी होगी, जब डिमांड फॉल होती है तो इट शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब देखो जब डिमांड फॉल हुई तो आपको एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला P1 एंड Q1। तो देखो क्वांटिटी अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई और प्राइस भी पी से P1 फॉल हो गया। तो आपका आंसर होना चाहिए फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन क्वांटिटी, हाँ कि ना, फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन क्वांटिटी। समझ में आया, तो चलो ज़रा देख लेते हैं नाउ क्या आंसर होगा। तो अपना आंसर तो आपको पता ही है, फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन क्वांटिटी। ज़रा देख लेते हैं, ए कहता है इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। गाइज ए ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि फॉल इन प्राइस और फॉल इन क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड गिर गई है और सप्लाई सेम है। तो जब भी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, प्राइस हमेशा गिर जाता है। बी कहता है डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बराबर। देखो डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो बी अपना आंसर है, बी आंसर है, सी नहीं। ओके थोड़ा स्क्रीन, हाँ बी इज द परफेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आया। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन समझ गया आपको, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ फटाफट। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इन ऑलिगोपॉली देर आर फ्यू बट नॉट मैनी फर्म इन द इंडस्ट्री। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। सेकेंड कहता है इन अ नॉन कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर फर्म डू नॉट कंसीडर एक्शन ऑफ राइवल्स फर्म ड्यूरिंग टेकिंग प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, ए ऑप्शन कहता है फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, बी कहता है फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, सी कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड डी कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि ये लोग ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, ठीक है। अब ये लोग ऑलिगोपॉली के बारे में पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑलिगोपॉली, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक थोड़ी सी थियोरी समझा दूं, उसके बाद में हम स्टेटमेंट को वापस पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं समझेगा। ओके नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, चलो पहले वापस एक ब्लैंक पेज ले लें।
आपको पता है ऑलिगोपॉली, मैं कुछ लिख देता हूँ, ऑलिगोपॉली। गाइज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन ए सेल फोन, ठीक है, सो दैट इज़ वाई माई हैंड राइटिंग इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, आई एम राइटिंग ऑन द सेल फोन ओनली, ओके, तो ज़रा संभालना। द लेक्चर्स इन एग्जीक्यूटिव विच वी आर टेकिंग फॉर अ प्रॉपर सेटअप, बट अभी वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, सो मैंने सोचा यार अभी काफ़ी लेट हो गए हैं पेपर्स डालने में, तो लेट्स रिकॉर्ड इट फ्रॉम द सेल फोन ओनली, ओके, सो प्लीज़ मैनेज। ऑलिगोपॉली, आपको ऑलिगोपॉली का मतलब पता है, ऑलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट है वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स, है कि ना। अब लेकिन ऑलिगोपॉली यू नो वॉट, दो टाइप के होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑलिगोपॉली। एक होते हैं कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉली, मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा, और एक होता है नॉन कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉली। सर यार ऑलिगोपॉली तो ऑलिगोपॉली होता है, नहीं फ्रेंड्स, दो टाइप के ऑलिगोपॉली देखे गए हैं। कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉली क्या होता है, पहले मैं आपको मीनिंग समझा दूं। ऑलिगोपॉली फ्यू सेलर्स होते हैं, दोनों में ही फ्यू सेलर्स हैं, लेकिन कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉली का मतलब है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स नाउ, कि उनमें जितने भी फ्यू सेलर्स हैं, आई एम सो सॉरी, जितने भी फ्यू सेलर्स हैं वो सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करना। नाउ सर किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, गाइस दे बिहेव इन अ ग्रुप, दे बिहेव इन अ कार्टल, वो लोग म्यूचुअली बैठ कर, बराबर है ना, प्राइस फिक्स करते हैं, और ठीक है कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से मार्केट में हम एंट्री करेंगे, कौन से मार्केट में आप कमाओ, सब मिलजुल के कमाना चाहते हैं। इट्स लाइक अ कार्टल, ठीक है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे कार्टल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपेक कंपनीज, ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने ग्रुप बना के रखा है, वो लोग सेम प्राइस से बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, बराबर। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, मिलजुल के बिजनेस करते हैं, एक दूसरे के साथ प्राइस डिस्कस करते हैं, मतलब फ्रेंडली नेचर, कोऑपरेटिव, दे बिहेव इन अ ग्रुप। नॉन कोऑपरेटिव क्या है, इट्स अ प्योर कॉम्पिटिशन ना, एक सेलर भले फ्यू सेलर है दूसरे की सुनता ही नहीं है, बराबर। नाउ इसका मतलब ये है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, बिंदास फाइट करते हैं, प्राइस फाइट होती है, और यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो दे डोंट कोऑपरेट विथ ईच अदर, दे डोंट बिहेव इन अ टीम, बराबर। नाउ फ्यू सेलर्स होते हैं बट कंपटीशन करते हैं, और एक दूसरे का मार्केट छीनने का, ठीक है, नाउ तरीका लाते हैं कि भाई मैं भी तेरा मार्केट खा जाऊंगा। कोऑपरेटिव में वो लोग मार्केट डिवाइड कर लेते हैं, मेरे एरिया में तू नहीं आएगा, तेरे एरिया में मैं नहीं आऊँगा, ओके। तो देयर आर टू टाइप्स। अब इन्होंने अगर आप सम देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है, वापस पढ़ते हैं। सबसे पहला, इन अ ऑलिगोपॉली देर आर फ्यू बट नॉट मैनी फर्म्स इन द इंडस्ट्री, इसका मतलब ऑलिगोपॉली में फ्यू फर्म्स होते हैं। तो कैन से फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट फ्रेंड्स, ऑफकोर्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मुझे सेकेंड देखना है, सेकेंड कह रहा है इन अ नॉन कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव की कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला ऑलिगोपॉली में फ्यू सेलर्स होते हैं, जो कि फैक्ट है, है ना। नाउ अब सेकेंड क्या है, इन अ नॉन कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर फर्म डू नॉट कंसीडर एक्शन ऑफ राइवल्स फर्म। नॉन कोऑपरेटिव में जो फर्म्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो एक दूसरे के, ठीक है, एक्शंस को कंसीडर नहीं करते। तुमको जो करना है तुम करो, और मेरे को जो करना है मैं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बातों को अग्री नहीं करूँगा। ड्यूरिंग टेकिंग प्राइजेज एंड आउटपुट डिसीजन, लोग अपने अपने प्राइजेज डिसाइड करते हैं, लोग अपने अपने आउटपुट डिसीजंस करते हैं, हाँ कि ना। तो कहने से दोनों एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करे, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। चलो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा, मतलब डिटेल में इतना नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको मीनिंग समझाते चल रहा हूँ। तो थर्ड का आंसर इज सी, मिल गया। लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू मेक अ शॉर्टर वीडियो, तो एक्सप्लेनेशन भी थोड़े शॉर्ट में दूंगा, बट जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ दे दूंगा। कॉमोडिटीज ऑफ एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ एक्स फॉल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था, मतलब स्टूडेंट इसको एक मिनट में सॉल्व कर ही नहीं सकता, दे हैव टू थिंक ट्वाइस ऑन इट, बराबर ना। और इसमें एक ऑप्शन है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं भी इनके ऑप्शन से अग्री नहीं हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं आपको बताऊँगा क्या गड़बड़ है। ना ज़रा सुनो, कॉमोडिटी एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मतलब पहली लाइन में बोल रहे हैं कि एक्स एंड वाई दोनों सब्स्टिट्यूट है। अब आपने डिमांड में फैक्टर्स पढ़े होंगे, या आपने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स को डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वाई। अब देखो,
इसको भी मैं डायग्राम से ही समझा सकता हूँ और फिर ही आंसर निकलेगा, लेकिन हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंदाजा बैठे किस बारे में पूछ रहे हैं। डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वाई, डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ वाई, इंक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वाई। पढ़ लिया, देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं फ्रेंड, जब तक आप डायग्राम बना के नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आता, बराबर। लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज। अब देखो, नाउ सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ लो। ठीक है, मैं डिमांड ही एक ऐसा चैप्टर जिसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूँ। एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट है, बराबर। तो सुनो, एक्स का प्राइस और डिमांड वाई की, अब दोनों में क्या फ़र्क है? अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई की डिमांड बढ़ेगी, और एक्स का प्राइस फॉल होगा तो वाई की डिमांड फॉल होगी, बराबर। तो इसे है डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, प्राइस एक्स का, डिमांड वाई का। अब सब्स्टिट्यूट में आप लोगों को पता है प्राइस ऑफ पेन बॉल पेन तो डिमांड ऑफ इंक पेन, बराबर। प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक। सब्स्टिट्यूट्स मतलब कुछ वो गुड जो रिप्लेसेबल है, अग्री करते हो? अब सवाल ये है कि प्राइस अगर एक्स की बढ़ेगी तो वाई की डिमांड क्यों बढ़ेगी? तो ये बेसिक फंडा है। अब पेप्सी और कोक है तो दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक, अब आपको तो सॉफ्ट ड्रिंक से मतलब है। आप जब किसी सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने जाते हो तो आप शॉपकीपर को क्या बोलते हो? यार पेप्सी दे दे। वो बोलता है पेप्सी नहीं है तो कोक दे दे, यार कोक नहीं है तो थम्सअप दे दे, काला शरबत एक ही है। तुम क्या ब्रांड से लॉयल हो क्या? नहीं, मुझे ठंडा पीने से मतलब है, अग्री करते हो? अब मुझे बताओ, अगर पेप्सी का भाव बढ़ गया है, बराबर है, तो थम्सअप सस्ता मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे? तो पेप्सी को छोड़ के आप थम्सअप पे शिफ्ट हो जाओगे। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ने की वजह से थम्सअप की डिमांड बढ़ गई क्योंकि थम्सअप कंपेरेटिवली सस्ता हो गया। नाउ दिस यू नो वेरी वेल, ओके। तो व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट तो पीपल ऑलवेज प्रीफर द कंपेरेटिवली चीपर प्रोडक्ट, ओके। नाउ तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, फाइन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसको रब कर देता हूँ, हम वापस एक बार प्राइस पढ़ते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ देखो, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, एक्स की प्राइस फॉल हो रही है तो वाई का डिमांड क्या होगा? फॉल। अरे एक्स का प्राइस फॉल हो रहा है तो वाई की डिमांड फॉल होगी, हाँ कि ना? तो अब डायग्राम देखो ना। अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ज़रा ध्यान देना। मैं इक्विलिब्रियम जो प्राइस बना रहा हूँ वो सिर्फ वाई के लिए बना रहा हूँ, ये सिर्फ वाई का है, मुझे तो वाई का पूछा है ना उन्होंने। तो सुनो, ये डिमांड ऑफ वाई, प्लीज सुनना, और ये सप्लाई ऑफ वाई, ओके, ब्लैक एंड वाइट लाइन। तो यहां पर ये आपको क्या मिला? इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी ऑफ वाई, अग्री करते हो? अब मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूट में वाई के प्राइस पे कोई असर नहीं है, एक्स का प्राइस गिर गया तो एक्स का प्राइस गिरा तो वाई की डिमांड क्या होगी? फॉल, अग्री करते हो? तो वाई की डिमांड फॉल हो रही है ड्यू टू सब्स्टिट्यूट, इट्स एन अदर फैक्टर, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्टिंग होती है तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट, बराबर। वेरिएशन और चेंज इन डिमांड पढ़ लेना, तो प्राइस फॉल हो गई और क्वांटिटी भी फॉल हो गया, हाँ कि ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल इन प्राइस ऑफ वाई एंड फॉल इन डिमांड ऑफ वाई, अग्री करते हो? अरे बराबर है, तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। चल आ जाओ भाई, हाँ, तो डिक्रीज इन प्राइस भी और डिक्रीज इन क्वांटिटी भी, तो बी आंसर है। देखो, डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वाई, मैंने आपको लॉजिकल आंसर दे दिया यार, अग्री। अब आप बोलोगे सर एक्स का क्या? एक्स तो सब्स्टिट्यूट था, उन्होंने सिर्फ वाई का पूछा था कि एक्स के प्राइसेस गिरने की वजह से वाई पे क्या असर होगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप हमेशा, ठीक है, प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और का देखते हो। तो फोर्थ आंसर समझा? तो देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे ना एग्जाम में, और फर्स्ट चैप्टर से चार क्वेश्चंस आए हैं फ्रेंड्स, बराबर। अब आ जाओ चैप्टर नंबर टू पे।
चैप्टर नंबर टू। चल नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू का, तो मैं ऐसा बोलूं फर्स्ट चैप्टर में से चार क्वेश्चंस आए। अच्छा अभी मालूम है जब हमने करंट अफेयर्स वगैरह के भी वीडियोस यूट्यूब पे डाले, कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट्स किया कि सर ये क्वेश्चंस हमको तो नहीं आए। फ्रेंड्स तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, दीज क्वेश्चंस वी हैव टेकन फ्रॉम दी स्टूडेंट्स और ये हम 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, 200% गारंटी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया सॉफ्टवेयर से, आपको पता है वो सॉफ्टवेयर कैसा है, उस सॉफ्टवेयर में एक कुछ क्वेश्चंस डाल दिए गए, अब वो रीशफल करके उन्होंने कितने वैरायटीज के पेपर्स बनाए, तो हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ लोग के पेपर्स में आए कुछ लोग के पेपर्स नहीं आए। बट हमारा पर्पस ये है आपको बताने का कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट नवंबर 20 के बच्चे CACET के या जनवरी 21 के बच्चे बराबर इनको रेफर करके अपने आपको ठीक है एक अंदाजे पे ले सकते हैं कि यस अपनी प्रिपरेशन ये लेवल पे होनी चाहिए और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे, है ना। तो और एक चीज़ बताऊँ, जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताया एग्जाम में आए हुए उसके ऊपर एक कंसेप्ट और बता दूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे ज़्यादा फोकस किया है ना, लेकिन हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे छोड़कर बाकी कुछ बहुत कुछ पढ़ते हैं। और जब स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो स्टूडेंट्स को लगता है डिमांड सप्लाई तो अपने को आता है। फ्रेंड्स एक चीज़ बताऊँ, डिमांड एंड सप्लाई इज़ मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर और इतना कंसेप्चुअल है कि वो आपको कितना भी घुमा सकते हैं। तो इस चैप्टर पे ये कंसेप्ट थियोरेटिकली आपको आता है लेकिन क्वेश्चंस को अप्लाई करने को, उसके लॉजिक को अप्लाई करने को आना चाहिए। ओके नाउ तो अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर फाइव लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर टू। ओके हाँ जस्ट अ मिनट हाँ फ्रेंड्स, आई एम जस्ट अरेंजिंग माई पेपर ऑन अ स्क्रीन। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फाइव नेशनल इनकम चैप्टर टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट स्टेटमेंट, GDP इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। इन एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम GDP इक्वल्स सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स पेमेंट इन द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओ माई गॉड, दो स्टेटमेंट दिए हैं। फॉर्मेट पैटर्न देखो फ्रेंड्स, आप लोग ने जिस भी क्लासेस में MCQ सॉल्व किए होंगे उन्होंने सिंगल सिंगल पॉइंट MCQs करवाए, कभी भी ये फॉर्मेट पे MCQs नहीं करवाए होंगे, तो आप उसके भी प्रैक्टिस करनी है। दो स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, है ना। नाउ अब देखो इन्होंने ना मेथड्स के फॉर्मूले पूछे हैं नेशनल इनकम, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब मेरी बात ज़रा समझना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनकम मेथड में आप लोग GDP कैसे मेजर करते हो, आप लोग सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी ले लेते हो, मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसकी ग्रॉस वैल्यू को ऐड करते हो। गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू ऐड करना इज अ प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड में हम सारे फैक्टर्स पेमेंट को ऐड करते हैं, जैसे सैलरी ऐड करना, वेजेस ऐड करना, रेंट ऐड करना, बराबर की चीज़ आपने पढ़ी। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये प्रोडक्शन मेथड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं, इन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम GDP इक्वल सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स पेमेंट इन द इकोनॉमी। गाइज फैक्टर्स पेमेंट का सम करना इज एन इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे गुड्स और सर्विसेज पे किए गए खर्चे, कंज्यूमर एक्सपेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन सबको ऐड करते हैं, ना कि फैक्टर्स पेमेंट को लेते हैं। फैक्टर्स पेमेंट को ऐड करना इज एन इनकम मेथड, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख दिया और इनकम मेथड में प्रोडक्शन मेथड, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो आपका आंसर बी आएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। तो फ्रेंड्स आपको इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, आपको पता है नेशनल इनकम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना चाहिए, थ्योरी वगैरह आप बहुत कुछ पढ़ते हो लेकिन इतना नहीं पढ़ना है आप लोग को इनकम मेथड में, ठीक है। मैं आपको अभी बता दूं
प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला, इनकम मेथड का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, फिर वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, फिर डिफ्लेटर कंसेप्ट, आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। ओके नाउ, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स में बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। आपको ये चीज़ समझ में आई? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इनकम से सिर्फ दो ही क्वेश्चंस आए थे, बराबर ना? ओनली 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर आपको अब डिफ्लेटर पूछा गया है। देखो ये कैलकुलेशन पूछा था, ज़रा देख लो। नाउ टू फॉरेन इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस फॉर द करंट ईयर इज 1500। ओके, इफ जीडीपी डिफ्लेटर फॉर करंट ईयर इज 120%, रियल जीडीपी फॉर द करंट ईयर वुड बी। अगर आप अपना आईसीएसआई का मॉड्यूल देखेंगे तो वहाँ पर डिफ्लेटर का आपको फॉर्मूला दिया गया है। ओके नाउ वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बट मैं भी आपको यही सॉल्व करके बता देता हूँ, शॉर्टकट में यही सॉल्व कर देता हूँ। आपको फॉर्मूला याद होगा कि नहीं, चलो एक ब्लैंक पेज ले लें सबसे पहले। चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहले जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? जो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, जीडीपी एट करंट प्राइस लेना है आपको, एट करंट प्राइस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लेना है, सीओपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यू शुड कंसीडर दिस। ओके एक मिनट, आपको एक कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, आई एम टेकिंग अ ब्लू कलर, रबिंग दिस ऑल थिंग्स। चलो देखो जरा, जीडीपी डिफ्लेटर, ओके, तो इज इक्वल टू, तो आपका फॉर्मूला है डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, जो कि आपको एग्जाम में दिया होगा, अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ओके वापस लिखता हूँ, डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? दे हैव डिफ्लेटर ऑलरेडी दिया है 120% और जीडीपी एट करंट प्राइस दिया है 1500 इनटू 100। आप लोगों को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है। होप समझ में आया, आपको फॉर्मूला समझा, ठीक है ऑल ऑफ यू। नाउ तब आप क्या करेंगे? तो मैं ऐसा बोलूं, जो फाइंड करना, लेट दिस बी एक्स, तो एक्स वहां चला जाएगा, 120% यहां आ जाएगा, बराबर है? ठीक है, अच्छा ये 120% है, बराबर। तो अब मैं इसको रब करता हूं, तो 1500 डिवाइड बाय 120%, अगर मैं इस परसेंट को हटा दूं तो आपको पता होगा मैथमेटिकली कि नीचे 100 आ जाएगा, हाँ कि ना, बराबर। तो ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 10 में तो 1.2 हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि 1500 डिवाइड बाय 1.2, तो आपका आंसर क्या आएगा? चलो बोलो, 1250 विल बी योर आंसर। क्या ये आंसर अपने ऑप्शन में है? यस, डी इज द आंसर, बराबर। अरे समझा, श्योर ऑल ऑफ यू? चलो ये देखो, ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है,
ये मैं सॉल्यूशन आप लोग कॉपी कर सकते हैं. आई हैव सॉल्वड इन अ प्रॉपर मैनर. तो देखो 120 उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, 1250 विल बी योर आंसर. ठीक है, यू कैन कंसीडर दिस. 1500 इंटू 100 कर लेना, सॉल्यूशन मिल गया आपको. ओके चलो अब हम बढ़ते हैं आगे. फाइन, अब आ जाओ थर्ड चैप्टर, इंडियन यूनियन बजट. बहुत ही प्यारा और सबसे इजी चैप्टर है ये. लेट्स स्टार्ट विद नाउ. चैप्टर थ्री में, चैप्टर थ्री के कितने क्वेश्चंस हैं मेरे पास? 7, 8, 9, 10, 4 मोर क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर 4 और 5 से पूछे गए थे, आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो. चैप्टर 3 आपका, जो चैप्टर 3 है दैट इज इंडियन यूनियन बजट. एम आई करेक्ट? तो लेट्स स्टार्ट विद लोन ऑप्टेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेजरी बिल. द RBI एंड फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आर एग्जाम्पल ऑफ. ओ माई गॉड, एकदम थ्योरी है, बराबर. नाउ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है फॉरेन गवर्नमेंट से या RBI से ट्रेजरी बिल इशू करके, तो वो आपके लिए क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू रिसिप्ट? तो फ्रेंड्स आंसर इज इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट. लोन लेना हमेशा कैपिटल रिसिप्ट है. अब मैं आपको यूनियन बजट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं. यूनियन बजट में पहले आपको ये पढ़ना है कि बजट एट द एंड टैली होता है. ठीक है, बजट में डेफिसिट्स हैं, तो आपको दो तीन चीज़ें पढ़नी है नवंबर वालों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन तीनों का डिस्टिंग्विश और इन तीनों के फॉर्मूले. दूसरा, बजट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनमें क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या आइटम्स आते हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये 3-4 बातें आती हैं तो आपको बजट समझता है. बाकी तो थ्योरी है विच यू कैन डू विद, बट मेजोरिटी क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हैं. ठीक है, तो लोन लेना इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि ये रेगुलर इनकम नहीं है. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. थ्योरी है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट. ठीक है, FRBM. अब आप लोग को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जब आपने चैप्टर पढ़ेंगे नवंबर वालों, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा. FRBM एक्ट क्यों आया था, मैं इसके लिए थोड़ा सा समझा दूं. हमारे इंडिया में बजट डेफिसिट बहुत सालों से चल रहा था, और बजट डेफिसिट का मतलब आप समझते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास इनकम्स कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं. और हर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में डेफिसिट होता है, डेवलप कंट्रीज़ में सरप्लस पाया जाता है. ठीक है, इंडिया का में मेजॉरिटी टाइम हमेशा डेफिसिट पाई गई है क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ हैं, तो गवर्नमेंट को उन डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं. बीच में आज़ादी से पहले, बराबर, सॉरी आज़ादी के बाद जब गवर्नमेंट ने, ठीक है, डेवलपमेंट शुरू किया, द डेफिसिट वॉज वेरी कंटिन्यूस. इतना ह्यूज लोन के बर्डन्स थे कि पूछो मत. तो डेफिसिट है, जब आपके पास पैसे कम होंगे तो गवर्नमेंट लोन्स लेंगी, शॉर्ट में समझो. नाउ तो डेफिसिट इतना बढ़ गया था कि इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन हैज़ बीन इंक्रीज, क्योंकि डेफिसिट होने के बाद हम लोन्स लेते हैं और लोन से इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है, दिस यू नो वेरी वेल, है ना. नाउ तो गवर्नमेंट ने अंधाधुन बजट्स लिए, अंधाधुन एनालिसिस किए बिना, ठीक है, लोन्स लेते थे, फिर उसको चुकाने में डिफिकल्टी होती थी, बराबर. एक बार तो ऐसी भी हालत हुई है कि हम बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर होने वाले थे, इसलिए तो 1991 आया, फिस्कल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना, LPG अनाउंस करना पड़ा. ठीक है ना, तो ये सारी हिस्ट्री है. लेकिन तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार लोन लेते हैं, इसको मैनेज कौन करेगा, और ये डेफिसिट अब हर साल थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं तो हम बैडिट्स, बराबर है, लोन के बर्डन के नीचे दबे रहेंगे, तो कुछ तो मैनेजमेंट करें. तो इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और एक एक्ट बनाया FRBM, और उन्होंने एक टारगेट्स रखे कि हर साल हम इतना डेट्स चुका देंगे, हम अपने डेफिसिट्स को कम करेंगे किसी भी तरीके से. अब देखो, डेब्ट्स को कम करने के लिए आपको खर्चे कम करने हैं, हाँ कि ना. तो उस पूरे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को लाने के लिए, डेट्स को, डेफिसिट्स को कम करने के लिए उन्होंने एक अलग से एक्ट बनाया FRBM, ताकि प्रॉपरली एनालिसिस हो सके, प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी हो सके, और एक प्रॉपर प्लानिंग हो सके कि हमारे कंट्री के डेफिसिट्स को, रेवेन्यू डेफिसिट्स को कम कैसे किया जाए. तो देयर वाज सो मेनी अदर थिंग्स. तो अब इन्होंने पूछा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. तो ए ऑप्शन कहता है टू मॉडिफाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बजटिंग. गलत.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स में काम आते हैं, बराबर, बजटिंग से कोई लेना देना नहीं है, इररिलेवेंट ऑप्शन है। बी, टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, गलत, बराबर, मेन यहाँ पर था ट्रांसपेरेंसी लाना और डेफिसिट्स को कम करना, स्टैंडर्ड्स वगैरह कोई गाइडलाइंस लाने की नेशनल इनकम से ज़रूरत नहीं थी। सी, टू इनकुलकेट द हैबिट एंड डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल मैनेजमेंट, यस, तो सी इज द परफेक्ट आंसर, बराबर, एक डिसिप्लिन लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है डेफिसिट को कम करने के लिए, बराबर। नाउ अब नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लेवी न्यू टैक्सेस इज डन थ्रू, गाइस आप लोग जब बजट पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना, आप ये पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बराबर, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है, इसके बिना गवर्नमेंट कंट्री चला नहीं सकता, हाँ कि ना, और भी बहुत सारे हैं बट दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इट्स अ टैक्स सिस्टम। तो हर साल टैक्सेस में बदलाव होते हैं, CACT क्लियर करने के बाद जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो डायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, वेरी नाइस सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मेरा सब्जेक्ट है बॉस, पढ़ेंगे साथ में, ओके ना। तो ये टैक्सेस में चेंजेस लाने के लिए कौन सा बिल लाना पड़ता है, तो गाइस फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंस बिल, फिस्कल बिल की टैक्स बिल। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता होगा तो आप टैक्स बिल लाओगे ना, को टिक मार्क कर दोगे ना, इट्स अ फाइनेंस बिल। हर साल टैक्सेस में चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, बराबर, और वो फाइनेंस एक्ट से, बराबर, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। नाउ फाइनेंस बिल कहा जाता है, बिल जब पार्लियामेंट से पास होता है तो वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, हर साल जो बजट सेशन आता है उसे फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, बराबर। नाउ तो फाइनेंस बिल इज द आंसर, होप यू गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनेंस बिल इज द आंसर, यहाँ पर ठीक है हमारा चैप्टर 3, एक और कंसेप्ट बाकी है, फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला, मैंने कहा ना फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फॉर्मूले आपको संभालने हैं, आ जाओ फॉर्मूले, 10th क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो ज़रा देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बराबर, अमाउंट टू गवर्नमेंट डेब्ट्स, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस इज फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा गया है, ओके ना। तो देखो अब इन्होंने ये फॉर्मूला क्या बनाया है, तो सुनो आपको इसके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। नाउ फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा पहले मैं आपको फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बता दूं, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स बट एक्सक्लूडिंग लोन्स, मतलब डेब्ट्स, बराबर। डेफिसिट मतलब आप समझते हो, जब आपका एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसको रेवेन्यू से माइनस करो, जो डिफरेंस है वो हमारा डेफिसिट है, शॉर्टेज है। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लोन्स, बराबर, लोन कंसिडर नहीं किए जाते, मतलब खुद की इनकम ही कंसिडर की जाती है, ओके ना। तो मेरी बात सुनो, लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ तक सब कुछ राइट है, माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफकोर्स, प्लस डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब मेरी बात सुनो, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, डेब्ट क्रिएटिंग का मतलब है लोन क्रिएट हो रहा है, मतलब आप लोन ले रहे हो, लोन कभी भी टोटल फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट इसलिए ही किया जाता है ताकि हम देख सके कि हमको लोन कितना लेना है, तो लोन लेना है ये जानने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट पता करते हैं, तो लोन इसके अंदर इंक्लूड कैसे कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आएंगे लेकिन लोन कभी नहीं आएगा, ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये तो तय हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, गाइस सेकेंड फॉर्मूला इज करेक्ट, प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट हटा दिया जाता है, बराबर, इंटरेस्ट का बर्डन, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब आंसर इज ए। अब गाइज इसके लिए है ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको है ना बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में काफ़ी कन्फ्यूजन होगी जब आप डिटेल में पढ़ोगे, तो है ना आप इन तीनों का डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ना,
ओके मैं बराबर मैं कभी रिविजन लेक्चर सी एस सी टी के लिए रिकॉर्ड करूँगा यूट्यूब पे, तो मैं आपको इस चीज़ पे फोकस करवाऊँगा, ठीक है। आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इन सबके डिस्टिंग्विश और डेप्थ में नहीं जा रहा। बाय दिस थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज आर ओवर, ठीक है ऑल ऑफ यू। फोर्थ चैप्टर पे शुरू करने वाले हैं, बट आपको थर्ड चैप्टर तक सब कुछ समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ कि ना? तो चलो अब शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर, ठीक है। नाउ फोर्थ चैप्टर में यू नो व्हाट, अभी तक जो अगस्त 20 का था कंपैरेटिवली क्वेश्चंस फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के बहुत ज़्यादा आए फ्रेंड्स, ओके। फोर्थ चैप्टर के अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस आए और फिफ्थ चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के दैट इज अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस आए। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग अप, ठीक है, फ्रॉम दिस टू चैप्टर्स, एंड दिस टू चैप्टर्स आर प्योरली थियोरेटिकल, बराबर। नाउ तो चलो देखते हैं इसके ऊपर किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, तो क्वेश्चन नंबर 11 इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फंक्शंस ऑफ RRBs। भाई ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल रूरल बैंक्स को कंट्रोल करती, सुपरवाइज करती है। तो फ्रेंड्स आंसर इज NABARD। एक्सप्लेनेशंस मत पूछना, एक्सप्लेनेशंस वगैरह जब आप एक्चुअल चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। तो द आंसर इज NABARD, ठीक है। सी आंसर नहीं है भाई, बी आंसर है, वो थोड़ा सा टिक मार्किंग की गड़बड़ है। द आंसर इज बी, इट्स NABARD, ओके। नाउ 12th वाला क्वेश्चन, चलो 12th क्वेश्चन लेट स्टार्ट विथ। 12th क्वेश्चन है डीलिंग पेमेंट इश्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME एड्रेस बाय RBI इट्स इन नवंबर 2015 गाइडलाइंस एज अ रिजल्ट ऑफ 3 सेपरेट नेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस बिकम ऑपरेशनल। MSMEs कैन डिजिटली पोस्ट their receivables फ्रॉम लार्ज corporate बायर्स ऑन एनी ऑफ दीज एक्सचेंजेस एंड गेट them फाइनेंस बाय practicing quickly at a competitive rates, RBI named this system for invoicing. Now, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, MSME, आपको पता है सबसे ज़्यादा बिजनेस में टेंशन है क्रेडिट पे गुड्स बेचना और उसकी बैड डेट्स को झेलना, बराबर। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो बैड डेट्स उनका बहुत कम होता है बिकॉज दे हैव अ लीगल रूल्स रेगुलेशंस एंड कस्टमर्स नोस कि इनको छोड़ नहीं सकते। बट सबसे बड़ा बैड डेट्स का प्रॉब्लम्स है ये MSMEs में। तो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंसेप्ट निकाला जिसमें अगर कोई कस्टमर्स हैं जिनको आप लोग को जिनका क्रेडिट पीरियड ज़्यादा है तो आप उसे सेल कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को, उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं। अब ये डायरेक्ट जो डिटेल चैप्टर है या आप उस चैप्टर में पढ़िएगा ना, उसे कहते हैं बी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो 12th का आंसर बी है फ्रेंड्स, ओके। 13th क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग वॉज टेकन इनिशिएटिव ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी ने क्या नया इनिशिएटिव लिया? तो गाइज आंसर रेगुलेटिंग MSMEs, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और बेजल 3 गाइडलाइन इंप्लीमेंटेशन। गाइज सिडबी का नाम से ही आपको पता चलना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए ये कंसेप्ट बना है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलपमेंट होंगी गाइज? फाइनेंस करने से। तो बी इज द आंसर, बराबर। इट इज कॉल्ड मुद्रा, ठीक है। और ये फाइनेंस नहीं, ये एक्चुअली रीफाइनेंस होना चाहिए था, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। 13 क्वेश्चन समझा आपको, चलो क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स? गाइज म्यूचुअल फंड एक शेयर मार्केट का पार्ट है, बराबर। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? इट्स वेरी सिंपल, सी इज द आंसर, इट्स सेबी। 14th का आंसर मिल गया। नाउ 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स सिक्योरिटी इन अ फाइनेंशियल मार्केट? अब देखो ये क्वेश्चन ना GK लेवल पे था, ये स्वैप वगैरह ये जो वर्डिंग्स है ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं दी गई है। तो कौन सा टर्म है जो हम फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स में यूज़ करते हैं?
पर्सनल लोन, होम लोन, एफडी, नो, स्वैप. ठीक है, स्वैपिंग इज वन ऑफ द कंसेप्ट विच इज यूज इन द डेरिवेटिव्स. नाउ 15 के बाद 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. अब आपको पता है पोस्ट बैंक्स जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो भी अपने को बैंकिंग सिस्टम्स देती हैं, तो कौन सा ऐसा सर्विस है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो पोस्ट बैंक की एक्टिविटीज में नहीं आता. तो एक्सेप्टिंग ए ऑप्शन कहता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू सच एज स्कॉलरशिप्स, एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर और यूटिलिटीज बिल पेमेंट एक्सेट्रा. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं डायरेक्ट पेमेंट्स बाकी तीनों बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए. आपको 16th का कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, नाउ द लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी भी थियोरेटिकल था और 8 क्वेश्चंस पर आज देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए. क्वेश्चन नंबर 17 बराबर. अब इसमें ये लिखा गया है, नाउ आई एम नॉट रीडिंग दिस क्वेश्चन, इट्स टू लॉन्ग. ठीक है, कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया? तो इट वॉज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, वेरी बेसिक इट इज. बराबर, डी इज द आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 यू कैन रीड इट. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था पहले जो LPG में, ठीक है, नाउ अबॉलिश कर दिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी. तो 17 का डी आंसर है. 18, इन द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर विच इज अ रेगुलेटरी बॉडी मेक्स रिकमेंडेशन एंश्योर कंप्लायंसेस एंड फेयर कॉम्पिटिशन. इतने से ही समझ में आ गया. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कौन सा डिपार्टमेंट है जो सारे चीज़ों को हैंडल करता है? ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट सुलझाता है, फेयर कॉम्पिटिशन मेंटेन करता है, एक्सेट्रा. तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाला है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ए इज द आंसर. बराबर, 19th क्वेश्चन. नाउ डेटा ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पब्लिश बाय. गाइज नाउ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा, भाई आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, बराबर ये आप पढ़ने वाले होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, नाउ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. ओके, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स मतलब इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, बराबर है. नाउ फॉरेन एक्सचेंजेस का डीलिंग करना, ये सब रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? तो गाइज इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 19th, RBI इज द आंसर फ्रेंड्स. अब सर RBI क्यों? गाइज आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, RBI इज द रेगुलेटर ऑफ मॉनिटरी एक्सचेंज, बराबर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बी इज द आंसर. RBI ही ये डॉक्यूमेंट इशू करता है. 20th क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेनिंग फूड ग्रेन स्टॉक इन द सेंट्रल पूल अंडर फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स फॉर द सेंट्रल पूल. नाउ अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फार्मर्स से गुड्स खरीदती हैं, फार्म प्रोड्यूसर्स खरीदती हैं, उसको स्टॉक करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो ये सब मैनेज करती हैं? आपको पता है 2 रुपए किलो चावल एंड ऑल, तो मतलब कहने से गवर्नमेंट हैव टू बाय दिस ऑल थिंग दिस फूड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फार्मर्स. वेयर दे स्टॉक इट एंड हु विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई दिस फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री. तो गाइज उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बराबर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नाउ बी इज द आंसर. ठीक है, क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं. डिटेल्ड क्वेश्चन नंबर 21, डिटेल्ड कॉमोडिटी वाइज कंट्री वाइज मंथली डेटा ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडिया इज पब्लिश बाय. गाइज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा बराबर हर महीने कौन इशू करता है, कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है? नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. क्या बोलते हो? अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिटेल इशू करते हैं. 21st का ए आंसर है फ्रेंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं 22 पे. द प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर डिजाइनिंग स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम्स, वॉज इंस्टीट्यूशन रिप्लेस बाय, बराबर
द प्लानिंग कमीशन। आपको पता है 1947 आज़ाद होने के बाद पूरी कंट्री में डेवलपमेंट की प्लानिंग्स करने के लिए 5-year प्लान का कंसेप्ट लेकर नेहरू जी आए थे और उन्हें प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने देखा कि प्लानिंग कमीशन में बहुत ही प्लानिंग कमीशन एक आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया है। आज के ज़माने में स्पीडी वर्क चाहिए। प्लानिंग कमीशन का जो काम करने का तरीका वो आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजंस दिए गए और उसको रिप्लेस किया गया बाय अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग। या आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ने वाले हो तो नीति आयोग इज द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव रिप्लेस्ड टू द प्लानिंग कमीशन विच इज द ओल्ड बॉडी बराबर टू प्लान डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। नाउ 23rd, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर इंडियाज करंट अकाउंट एक्सेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को इम्पोर्ट्स आइटम्स पढ़ने हैं, कौन सी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती हैं, कौन सी चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं, ना तब आपको समझेगा। बट 23 का आंसर क्या है, करंट अकाउंट में क्या चीज़ें आएंगी? तो करंट अकाउंट में रेगुलर चीज़ें आती हैं बराबर। तो व्हाट इज़ योर आंसर? द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, द इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें नहीं आती। ठीक है, ये ऑप्शन पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ, एक्सेप्ट लिखा है आगे बराबर, दे हैव रिटन एक्सेप्ट। कौन सी चीज़ करंट अकाउंट में नहीं आती? तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज करंट अकाउंट में आते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइजेस करंट अकाउंट में आते हैं, मर्चेंडाइज मतलब आप कह सकते हैं टेंजिबल थिंग्स, गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस, फॉरन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज एसेट। गाइज, डी इज़ द आंसर। फॉरन इन्वेस्टमेंट्स करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं क्योंकि ये रोज नहीं होते। ओके, तो 23 का डी इज द आंसर। नेक्स्ट 24th इज द, इन जून 2013 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम एंड टू एंकरेज स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स एंड एकेडमिशिया। नाउ अब मेरी बात सुनो, नाउ मल्टीपल ग्रांट स्कीम वगैरह किसने शुरू किया था स्टार्टअप्स को, ठीक है नाउ एंकरेज करने के लिए? तो गाइज वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए इज द आंसर फ्रेंड्स, ए इज द आंसर, ए आंसर है नाउ इसका। आपको एक चीज रियलाइज हुई, फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो बहुत ही वास्ट है, लेकिन इस ट्रेंड को देखते हुए ये समझ में आता है कि आप लोग को अंदर घुस घुस के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। नाउ चैप्टर पढ़ने के बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दो पॉइंट्स आपको हमेशा पढ़ के जाना है, उन ऑर्गेनाइजेशन को किसने एस्टैब्लिश किया, उसका ऑब्जेक्टिव बराबर है, तीसरा ठीक है वो उसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिस हिसाब से इस बार के एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं। ओके, नाउ बस इतने ही क्वेश्चन हैं। ओके, नाउ आपके यूजफुल हैं, आप इन चैप्टर्स को पढ़िए। वी आर द ओनली क्लासेस हु हैव इशूड दिस क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम टिल नाउ। अभी तक मार्केट में कोई बुक पब्लिश नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट्स के हार्ड एफर्ट्स हैं जिन्होंने हमको ये क्वेश्चंस दिए सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, मिलते हैं एग्जीक्यूटिव में, थैंक यू वेरी मच, बाय फ्रेंड्स, एन्जॉय, टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस चैप्टर एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर CSET स्टूडेंट्स। थैंक यू।